हेलो फ्रेंड्स, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हुंडई की न्यूली लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट सेडान ऑरा के बेस वेरिएंट ई के बारे में, जो कि सिर्फ पेट्रोल में आ रही है। इसके डीजल में ई वेरिएंट नहीं आता है, उसकी स्टार्टिंग एस से है, लेकिन पेट्रोल की स्टार्टिंग जो आ रही है वो आ रही है ई वेरिएंट, जो कि आपके सामने खड़ा है। प्राइसिंग्स की बात करेंगे तो इसका जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो है 5,79,900 रुपीज़। चलिए देखते हैं आज ऑरा के बेस वेरिएंट ई को क्या क्या मिलते हैं आपको इसमें फीचर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर्स में और दिखाते हैं ऑरा ई पेट्रोल वेरिएंट का। ये देखिए फ्रंट का लुक आपके सामने है, जिसमें देखेंगे तो सेम रेडिएटर ग्रिल दिखेगी, हनीकॉम डिज़ाइन में इसको बनाया गया है। सराउंडिंग देखेंगे तो ये देखिए सिल्वर फिनिश की इसमें सराउंडिंग देखने को मिलेगी। कमी दिखेगी यहाँ पर आपको ये कि बाकी वेरियंट्स की तरह देखिए यहाँ पर ड्यूअल एलईडी लाइट्स नहीं दी हुई हैं इस वेरिएंट में। देखिए कोई भी एलईडी लाइट्स आपको फ्रंट में नहीं मिलेंगी। हेडलैम्प्स में नज़र मारेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे, ये देखिए हैलोजन बेस हेडलैम्प्स, उसी के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। फॉग लैंप्स इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। तो ये बात तो हो गई ऑरा ई वेरिएंट के फ्रंट के लुक की। चलिए फ्रंट के बाद अब हम एक बात करेंगे इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को। तो ये रहा इसका कंप्लीट साइड प्रोफाइल आपके सामने, डायमेंशंस यहाँ सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं आप, यहाँ पे अच्छे से इसके डायमेंशंस को देख पा रहे होंगे। चलिए अब फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके व्हील्स। तो ये देखिए इस गाड़ी में कंपनी फिटेड व्हील कैप्स नहीं आएंगे, मिलेंगे बस यहाँ पे बीच में ये हब कैप्स। व्हील्स स्पेसिफिकेशंस को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है 165/70R14 इंच में ये व्हील्स मिलेंगे, जो कि ट्यूबलेस टायर्स के साथ दे रखे हैं। साइड के फेंडर्स में देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आउटसाइड हैंडल्स एंड मिरर्स इस गाड़ी के जो हैं वो ब्लैक कलर पे दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके सी पिलर की। तो ये बाकी वेरिएंट्स की तरह ही ब्लैक पियानो फिनिशिंग पे दिया हुआ है। साइड के प्रोफाइल को खूबसूरत बनाने के लिए ऑरा में देखिए इस तरीके से दे रखा है। हुंडई ऑरा ई वेरिएंट के साइड के प्रोफाइल के बाद चलिए दिखाता हूँ आपको इसका रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल देखिए ऑरा ई का भी अपर वेरिएंट्स की तरह ही दिखेगा, क्योंकि इसमें भी देखिए एच लोगो के नीचे ऑरा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लेस किया हुआ है। सेम टेल गेट गार्निश देखने को मिल जाती है, ब्लैक पियानो फिनिशिंग और क्रोम इंसर्ट्स के साथ दी हुई है। और इसके टेल लैम्प्स भी बेस वेरिएंट के बिल्कुल सेम एलईडी इंसर्ट्स के साथ दे रखे हैं। जेड शेप डिजाइनिंग पे इसको बनाया गया है। तो रेयर प्रोफाइल पे देखेंगे तो इसका जो बेस ई वेरिएंट है वो भी बिल्कुल अपर वेरिएंट की तरह ही दिखेगा। रेयर बम्पर्स में नज़र मारी है तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे, साथ में सेफ्टी के लिए। ये देखिए रेयर बम्पर पे लगे हुए हैं रिफ्लेक्टर्स। ऊपर की तरफ रेयर विंगशील्ड पे देखेंगे तो इस वेरिएंट पे डिफॉगर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन टॉप पे मिल जाएगा ये देखिए माइक्रो रूफ एंटीना। तो ये बात तो हो गई ऑरा ई वेरिएंट के रेयर प्रोफाइल की। चलिए ओपन करते हैं हम इसके टेल गेट को और दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। ड्राइवर फुट के पास दो लीवर दिए हुए हैं, एक तो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए दे रखा है और दूसरा ये टेल गेट को ओपन करने के लिए दिया हुआ है। यहीं से ओपन करते हैं इस गाड़ी के टेल गेट को। बाकी आपको टेल गेट ओपन करने के लिए इस वेरिएंट पे देखिए यहाँ पे की इंसर्ट भी दे रखा है, यानी की के थ्रू भी इस गाड़ी के टेल गेट को खोला जा सकता है। टेल गेट के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक बड़ा 402 लीटर्स का बूट स्पेस, काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में मिलता है बूट में स्पेस। चेक करते हैं इस गाड़ी के बूट लैम्प्स को, तो नहीं मिलेंगे आपको इस गाड़ी में कोई भी बूट लैम्प। चलिए अब दिखाता हूँ इस गाड़ी का स्पेयर व्हील। ये मैंने फ्लैप उठाया तो देखिए सामने तरफ रखा हुआ स्पेयर व्हील, इसके अंदर रखा है इस गाड़ी का जैक, ये भी स्टील बेस दिया हुआ है बाकी व्हील्स की तरह ही। स्पेसिफिकेशंस को चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए 165/70R14 इंच में इसका स्पेयर व्हील बाकी व्हील्स के बराबर का साइज का ही मिलेगा। चलिए बंद कर देता हूँ टेल गेट, अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और दिखाता हूँ ऑरा ई वेरिएंट के बाकी फीचर्स को। तो इस तरीके की दो मैनुअल कीज़ आपको मिलेंगी ऑरा के ई वेरिएंट में। ये दोनों ही कीज़ फैक्ट्री फिटेड इंजन इमोबिलाइजर के साथ आती है। इन कीज़ में लगा हुआ है सिक्योरिटी फीचर, इन कीज़ की अगर कोई डुप्लीकेट कीज़ बना लेगा तो इस गाड़ी के इंजन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। चलिए ड्राइवर साइड से की से ऑपरेट करते हैं, लॉक्स को चेक करते हैं इसके बाकी लॉक्स ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए बाकी लॉक्स ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, यानी इसमें मैनुअल सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी, आपको एक एक करके सारे डोर्स के लॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन करता हूँ डोर्स और दिखाता हूँ ऑरा ई वेरिएंट का। ये रहा इंटीरियर आपके सामने, जो कि ग्रे एंड ब्लैक टोन पे दे रखा है। ये देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर वेवी पैटर्न पे इसको बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए तो एसी वेंट्स के सराउंडिंग्स पे ये ब्रॉन्ज कलर के इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे दोनों साइड पे। आगे के दोनों साइड के एसी वेंट्स पे ब्रॉन्ज कलर के इंसर्ट्स दिए हुए हैं, बाकी डिजाइनिंग आगे की मैं बाद में बात करूँगा। चलिए देखते हैं इसके रेयर सेटिंग्स को। तो ये रहे इसका रेयर डोर,
इसमें आपको पीछे पावर विंडोज नहीं मिलेंगे, तो ये देखिए मैनुअल लीवर लगा हुआ है इसकी विंडोज को ऑपरेट करने के लिए। इनसाइड डोर हैंडल्स ब्लैक फिनिशिंग पे दे रखे हैं। नीचे की तरफ मिल जाएगा बॉटल होल्डर्स और म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स को लगाने के लिए ये देखिए स्पेस दे रखा है। इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स नहीं आते हैं। और रियर सीटिंग्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसके बेस वेरिएंट में भी देखिए हाइट एडजस्टेबल ये दो हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और इनकी सीटों के पीछे देखिए तो ये दिया हुआ है आइसोफिक्स सीट्स के लिए लॉक, ये चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने के लिए यहाँ पे ये लॉक्स मिल जाएंगे। बट इस वेरिएंट में आपको सिर्फ एक लॉक मिलेगा, दूसरी साइड देखिए तो इसमें लॉक नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आपको आइसोफिक्स सीट्स ये इस साइड वाली एक ही मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे इसकी मार्किंग भी की हुई है। बैठते हैं इसके रेयर सेटिंग्स में और चेक करते हैं इसके रेयर सेटिंग्स कंफर्ट को। तो ये रही इसकी रेयर सीट्स में दिया हुआ स्पेस, ये लेग रूम आपके सामने है। ड्राइविंग सीट को मैंने अपनी हाइट 5'8" के अकॉर्डिंग सेट कर दिया और मेरे बैठने के बाद देखिए आपको मिलता है इसमें इतना ये देखिए लेग रूम। इस वेरियंट में रेयर रिसीवेंट नहीं आता, तो यहाँ पर देखिए उसके बदले यहाँ पर एक यूटिलिटी स्पेस मिल जाएगा। और चेक करते हैं तो मिडिल पे इस वेरिएंट में भी यहाँ पे देखिए रूम लाइट दी हुई है और ये लगे हुए हैं इस गाड़ी के ये असिस्ट ग्रिप्स। चलिए मैं निकलता हूँ पीछे की सीट से और मैं बढ़ूँगा आगे के साइड और ड्राइवर्स डोर्स को दिखाता हूँ। तो ये रहा इस गाड़ी का ड्राइवर्स डोर, जिसमें आगे के दोनों पार विंडो के ये देखिए दोनों स्विचेस लगे हुए हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो आगे के डोर्स में भी जो है वाटर होल्डर मैप पॉकेट मिल जाएगी और साथ में म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स को लगाने के लिए आगे के दोनों डोर्स पर जगह दी हुई है। चेक करते हैं इसके जो ड्राइविंग साइड का विंडो है उसमें ऑटो अप या ऑटो डाउन कुछ फीचर दिया है कि नहीं। मैं इसके इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं। तो नहीं, ये ऑटो डाउन या ऑटो अप आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। जहाँ पे भी मैं रोक रहा है विंडो ये वहीं पे रुक रही हैं। इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स की बात करेंगे तो ये मैनुअल दिए हुए हैं, इनको आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करना पड़ेगा। और अंदर दी गई है ये जॉयस्टिक जिससे इसके ग्लासेस को आप कर पाएंगे एडजस्ट। अब चेक करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट की सीटें। तो ये देखिए इसकी फ्रंट की सीटिंग्स जो है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ बनी हुई है। ड्राइविंग सीट को चेक करवा देता हूँ, मैं इसके ये पॉलीथीन को हटा देता हूँ। तो ये देखिए इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट जिसमें कोई भी हाइट एडजस्टमेंट फीचर नहीं दे रखा है। इसकी ड्राइविंग सीट को ऊपर नीचे आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये लीवर लगा हुआ है इसके बैक रेस्ट को सेट करने के लिए और ये रॉड दे रखा है इसकी सीट को स्लाइड करने के लिए। और दिखाता हूँ इसका ये सीटों के मटीरियल, ये फैब्रिक मटीरियल में इसकी सीटों को बनाया गया है, कुशनिंग अच्छी मिल जाती है इसमें। अब बात करेंगे इसके डैशबोर्ड की, तो ये रहा ऑरा ई वेरिएंट का डैशबोर्ड आपके सामने। ये दूसरी साइड से भी आप इसके डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग को देख लीजिए। बैठते हैं इसके पैसेंजर साइड पे और एक नज़र यहाँ पे भी बैठ के आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ये डैशबोर्ड। इसमें एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा तो वो यहाँ पे देखिए ब्रॉन्ज कलर के इंसर्ट्स यानी ब्रॉन्ज कलर यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ये मैटी ब्लैक फिनिशिंग पे इसको दे रखा है इस वेरियंट में। ये देखिए ट्रांसमिशन के सराउंडिंग्स पे भी देखिए ब्लैक फिनिशिंग दे रखी है, अपर वेरिएंट्स की तरह ब्राउन्स इंसर्ट यानी ब्राउन्स कलर्स नहीं दिया हुआ है। चलिए मैं चलता हूँ वापस ड्राइविंग साइट पे और बाकी फीचर्स को करते हैं एक्सप्लोर। बैठ जाता हूँ इसकी ड्राइविंग सीट में और ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद फिर से मैं आपको आगे का ये देखिए इंटीरियर दिखा देता हूँ। फीचर्स की बात करूँगा तो ये रहा इस गाड़ी का मोटर ड्रिवन पावर स्टेयरिंग, जिसमें इस वेरिएंट में टिल्ट स्टेयरिंग नहीं दे रखा, ये फिक्स है, इसको मूव नहीं करा पाएंगे। बीच में हुंडई की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सेफ्टी के लिए यहाँ पे देखिए ड्राइविंग साइड पे एक एयरबैग दे रखा है और दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने दिया हुआ है। और हमें स्टैंडर्ड कर रखे हैं डुअल एयरबैग, साथ में इसमें ABS एंड EBD भी एज ए स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। ड्राइवर नी के पास देखिए तो ये रहा हेडलैम्प्स की बीम्स को एडजस्ट करने के लिए ये वाला नॉब दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये रहा ऑरा ई का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके सामने, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो RPM मीटर दिया हुआ है, राइट साइड पे मिल जाएगा स्पीडोमीटर और बीच में दे रखा है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें कई सारी आती है इन्फॉर्मेशन। और इनकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए एक लीवर दिया हुआ छोटा सा, इसको प्रेस करते जाइए इन्फॉर्मेशन चेंज होती जाएंगी। अभी इस समय दिखा रहा है ट्रिप पे यहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल गॉज दे रखा है, नीचे की तरफ टोटल कितनी कार चली है वो शो कर रहा है। चेंज करते हैं, इसमें ट्रिप भी आ गया। डिस्टेंस टू एम्प्टी दिया हुआ है, फ्यूल के हिसाब से कितनी दूर कार चली जाएगी वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे माइलेज लिख कर आएगा, जब गाड़ी आप ड्राइव करोगे तो क्या माइलेज निकल के आ रहा है, तो एवरेज माइलेज वो यहाँ पे शो करेगा। इंस्टेंट माइलेज यहाँ पे दिखाएगा।
एवरेज स्पीड, गाड़ी कितनी एवरेज स्पीड पे चली है लास्ट रीसेट से, तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है इंजन रनिंग टाइम, कितनी देर तक गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा वो यहाँ पे शो करता रहेगा। और ये वापस ट्रिप पे आ गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन को रीसेट करना है इस लीवर को कर रही है प्रेस, और ये देखिए वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी रीसेट। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी इस गाड़ी के MID डिस्प्ले में, साथ में इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया हुआ है। गलत गियर पे गाड़ी ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा किस गियर पे कार होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रंट सेंटर कंसोल की। तो ये देखिए इस गाड़ी का फ्रंट सेंटर कंसोल का डिजाइन आपके सामने है, जिसमें सबसे टॉप पे देखेंगे तो ऑरा ई वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आता, तो यहाँ पे आप 1 दिन या 2 दिन के म्यूजिक सिस्टम को लगवा सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है उसको यहाँ पे फिट करवा लीजिए। उसके नीचे देखिए तो ये रहा हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच, प्रेस करते हैं सारे इंडिकेटर्स करने लगे ब्लिंक। इस वेरिएंट में आएगा मैनुअल रोटरी बेस्ड AC प्लस हीटर, ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है, उसके बगल में एयर रिसर्कुलेशन को सेट करने के लिए येला बटन मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखिए 12 वोल्ट का एक पावर आउट दिया हुआ है, इसमें कोई भी 12 वोल्ट का अटैचमेंट जैसे कि मोबाइल चार्जर को आप यहां पे लगा पाएंगे। ड्राइवर हेड के पास देखिए तो इसमें आपको मिलेगा ये मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर, उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैप लाइट भी मिल जाएगी। और आके ई वेरिएंट में सनवाइजर्स को चेक करेंगे, कोई भी वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड पे नहीं दिया हुआ है और ना ही ड्राइवर साइड पे मिलेगा। स्टोरेज स्पेसेस को देखेंगे तो फ्रंट पैसेंजर के सामने देखिए यहाँ पे ओपन स्टोरेज स्पेस दे रखी है, ग्लोव बॉक्स ओपन करिए तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें ई वेरिएंट में भी कोल्ड ग्लोव बॉक्स दे रखा है, यानी कुछ भी सामान आप इसमें रखेंगे वो बना रहेगा ठंडा, बस इस नॉब को कर दीजिए ऑन। इसके अलावा डोर्स पे भी जैसा बताया स्पेसेस मिल जाएंगी। गियर नॉब लीवर के बैक साइड पे भी देखिए तो यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस दे रखी है, साथ में आगे की दोनों सीटों के बीच में भी देखिए कप होल्डर है, वाटर होल्डर और साथ में कॉइन होल्डर मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था ये देखिए पीछे वालों के लिए भी यहाँ पे एक यूटिलिटी स्पेस दे रखी है। तो इतनी सारी आपको मिलती है इस गाड़ी में स्पेसेस। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ट्रांसमिशन की। तो जैसा कि बताया ये ऑरा ई वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल में आता है, तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ये रहा गियर नॉब लीवर का डिजाइन। रिवर्स गियर लगा के रिवर्स पार्किंग सेंसर को चेक करवाता हूँ, आपने बीप सुनी होगी, फिर से दिखा देता हूँ। ये बीप आ रही है, बीप के थ्रू अलर्ट करेगा अगर पीछे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और ये बीप बजने लगेगी कंटिन्यूअस तब आप इस गाड़ी को रोक दीजिए वरना पीछे वाले ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगी। और जैसे रिवर्स गियर लगा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे इंडिकेशन भी दिखा रहा है ये रिवर्स गियर का। तो ये बात तो हो गई ऑरा ई वेरिएंट के सारे फीचर्स एंड डिजाइनिंग के। चलिए ओपन करते हैं हम इसके बोनट को और दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंजन। ये है ऑरा का पेट्रोल इंजन जो कि देखिए BS6 कॉम्प्लायंट है। इसमें देख सकते हैं इस गाड़ी के पूरे इंजन की डिज़ाइनिंग को, स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो ये 1.2 लीटर कप्पा इंजन है जो कि 1197 cc के इंजन कैपेसिटी में आता है, मैक्सिमम पावर बनाता है 83 PS का, और इसका जो टॉर्क है वो है 11.6 kgm का। माइलेज की बात करेंगे तो उसका ARIA सर्टिफाइड माइलेज है 20.5 km/L का। हुंडई ऑरा के ई वेरिएंट में कलर चॉइस लिमिटेड मिलती है, इसमें पोलर व्हाइट एंड टाइटन ग्रे, सिर्फ इन्हीं दो कलर्स में हुंडई ऑरा ई वेरिएंट मिलेगी। सो दोस्तों ये थी हुंडई ऑरा का ई वेरिएंट जो कि सिर्फ पेट्रोल में आ रहा है। इस गाड़ी का एक्सोरूम कॉस्ट है 5,79,900 rupees। इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल का दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली, थैंक यू।